नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। और आज हरियाणा की धरती से एनडीए ने दिया है एकता का डबल संदेश। डबल संदेश हम इसलिए कह रहे हैं कि पहले तो संदेश ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ ग्रहण जो समारोह हुआ उनका, उसमें पूरे एनडीए का कुनबा जुड़ा। और उसके ठीक बाद एनडीए के इन सारे नेताओं ने एक महत्वपूर्ण बैठक की, ये दूसरा संदेश था। और इस बैठक की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में इस बैठक की कमान रही। और इतना ही नहीं, इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत एनडीए के सभी बड़े नेता शामिल हुए। और इस बैठक में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजीत पवार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, मेघालय के सीएम कोनराड संगमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के साथ साथ एनडीए के 30 से ज्यादा घटक दलों के अध्यक्ष और प्रमुख नेता शामिल हुए। और इस बैठक में बीजेपी के 13 मुख्यमंत्रियों और 16 उपमुख्यमंत्रियों के साथ ही एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी शामिल हुए। तो ये साफ हो गया है कि चंडीगढ़ में एनडीए नेताओं का जुटना एक मजबूत राजनीतिक तस्वीर को आकार दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन ने भी कल श्रीनगर में उमर के शपथ ग्रहण समारोह में एकता दिखाई थी, लेकिन इसमें हरियाणा की हार का इफेक्ट भी नजर आया और सहयोगी दलों ने महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के पहले कांग्रेस को नसीहत दे दी। बात एकता के लिए शक्ति प्रदर्शन था, लेकिन बात नसीहत तक पहुंच गई। आज दो टूक में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और उठाएंगे सियासी मुद्दा कि एनडीए में दोस्ती, इंडी में दरार, क्या होगा महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में। सवाल ये भी है कि महाराष्ट्र में जो गठबंधन बटेगा वो चुनाव में कटेगा। और चर्चा इस पर भी होगी कि हरियाणा में शपथ, क्या महाराष्ट्र झारखंड में होगा विजय पथ, क्या हरियाणा का जादू महाराष्ट्र झारखंड में भी चलेगा। इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन पहले सुनते हैं कि इंडी के सहयोगी फारूक अब्दुल्ला और अखिलेश यादव ने कांग्रेस को कैसे गठबंधन धर्म का पाठ पढ़ाया। हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़े, सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे दो विधायक थे और हमें सीटें भी ज्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। हिंदुओं को डराने की कोशिश, उनसे ये कहा ये आएंगे तो आतंकवाद शुरू हो जाएगा फिर से, जैसे कि आतंकवाद बंद हो गया, आज भी आतंकवाद है और जम्मू में ही आतंकवाद था। तो उनसे डराया गया कि ये आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तुम्हारा हाल नहीं है, कुछ नहीं होगा। और हम पीछे रह गए, जिस उम्मीद से हम ये करते थे कि हम लोगों से ये डर निकाल सके, उसमें हमारे कांग्रेस के नेता नहीं आगे बढ़े। माफ़ी मांगता हूँ, कहने को ये सच्ची है। अगर वो इससे ज़्यादा आते, लोगों में बैठते, लोगों के साथ जाते और लोगों से कहते ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सब गलत है, हम आपके साथ, भारत आपके साथ, तो मेरे ख्याल से हमारी स्थिति ये नहीं होती। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है, तो क्यों है रीवर्क द एंटायर अलायंस। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहाँ कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में एक दो सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। तो भारत के महान उद्योगपति स्वर्गीय रतन टाटा ने कहा था कि अगर आपको तेज चलना है तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आपको लंबा चलना है तो लोगों को साथ लेकर चलिए। और रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं है, वो उद्योगपति थे, लेकिन उनका ये मंत्र आज भारतीय सियासत में साक्षात दिखाई दे रहा है, क्योंकि एनडीए हो या इंडी गठबंधन, दोनों ही एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके पीछे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हैं, जिसकी एकता बनी रहेगी
और किसकी एकता टूटेगी, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय आलोक जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इसके अलावा गुलाब चंद्र दुबे जो प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट के हैं, महेश चव्हाण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो एनसीपी के शरद पवार गुट के प्रवक्ता हैं, वहीं निखिल जैन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। वहीं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अवधेश कुमार जी जो वरिष्ठ जाने माने पत्रकार हैं। अजय जी मैं आपके पास आऊँगा, आपसे सवाल लूँगा, लेकिन मेरा पहला सवाल जो है वो महेश चव्हाण जी से है कि जिस तरह से एकता का संदेश देने की आज एनडीए ने कोशिश करी है, हरियाणा की धरती से वो महाराष्ट्र तक संदेश देने की कोशिश की गई है, लेकिन क्या स्थिति है एनडीए गठबंधन की महाराष्ट्र में, क्या एकता बरकरार है, क्या अजीत पवार को जो नाराज़गी थी वो दूर हो जो संजय राउत के जो बयान थे जो सामने में लेख लिखे गए थे, क्या वो सब नाराज़गी दूर हो गई है, सब कुछ ठीक है? जी, महाराष्ट्र में बिल्कुल सब कुछ ठीक है, एमवीए में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हम एकजुट हैं। और ये कुछ गलतफहमियां या अफवाहें जो फैलाई जा रही है वो सही नहीं है। एमवीए में देखिए बैठकें तो होती है, तीन पार्टीज अगर एक साथ आकर एक गठबंधन बनाती है तो उनकी अलग अलग मांगे होती है, उनके कार्यकर्ता रहते, उनके वर्कर्स, उनकी भी मांगे होते हैं, उनके कुछ विचार होते हैं, वो विचार विमर्श और चर्चाएं हो जाती है। तो उसमें अगर शिवसेना हो या कांग्रेस हो या हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, उनके कुछ भी मांगे हैं तो वो चर्चा में बैठके हुई उनमें उस पर चर्चा हुई, लोग तंत्र मानते हैं और उस हिसाब से एक दो दिन में फैसला सुनाएंगे, हम लोग अनाउंस करेंगे कि एग्जैक्टली अब आगे क्या पिक्चर रहेगा और हमारी रणनीति क्या होगी। लेकिन इस तरह के जो बयान जो सामना में जो लिखा गया कि ये कांग्रेस से सीखना चाहिए कि जीती हुई बाजी को कैसे हारा जाता है, इस तरह के अगर बयान आएंगे तो कैसे एक आम जनता जो वोटर है मानेगा कि आपके बीच में सब कुछ एकता है, सब कुछ ठीक चल रहा है? नहीं, सामना में जो आया एडिटोरियल्स वो और हमारे बीच में जो बातें हो रही है वो अलग है। जैसे कि कहा कि वरिष्ठ नेता तीनों पार्टी के बहुत दिनों से चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चाओं में से कुछ भी मतलब गलत मैसेज लोगों को न जाए इसकी जिम्मेदारी हमारे तीनों वरिष्ठ नेता हमारे तीनों पार्टी की है। और जब एक दो दिन के समय के बाद जब ये तीनों पार्टी का फैसला जो सुनाएंगे, जो अनाउंसमेंट होगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम सब एकजुट हैं, हमें कुछ भी विवाद हम लोगों के बीच में नहीं है। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक भी हैं। अजय आलोक जी, मैं सवाल मैं आपसे ही पहले पूछना चाह रहा था क्योंकि एनडीए की जो बैठक थी बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी, अब से थोड़ी देर पहले खत्म हो गई है, तो मैं जानना चाह रहा हूं और दर्शक भी ये जानना चाह रहे हैं कि इस बैठक का मकसद क्या था, आगे की रणनीति बनाना महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर या फिर शक्ति प्रदर्शन, ये दिखाना कि एनडीए में सब कुछ सही है, सब एक हैं, एक मिलजुल कर महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनावों में जाएंगे? देखिए प्रखर जी, अभी आप चला रहे थे कि रतन टाटा ने कहा कि तेज चलना हो तो अकेले चलो, लंबा चलना है तो सबको साथ जी। हम तीसरे थ्योरी में बिलीव करते हैं, हम तेज भी चलना चाहते हैं और लंबा भी चलना चाहते हैं, इसलिए हम सबके साथ भी चल रहे हैं और हमारी गति भी तेज है, क्योंकि 10 साल में जिस अभूतपूर्व विकास, दो ही तो मंत्र रहा हमारा, एक गति जिसको एक्सेलरेशन कहते हैं और फैलाव जिसको स्केल कहते हैं, उसके साथ एनडीए की सरकारों ने काम किया जिसको हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं, और वो महाराष्ट्र में तो वो काम दिख रहा है, झारखंड में 5 साल पहले तक वो काम दिख रहा था, पूरे देश में वो काम दिख रहा है। आज एनडीए के घटक दलों की बैठक इसलिए हुई थी क्योंकि हरियाणा में एक ऐतिहासिक काम हुआ है, हरियाणा के गठन के बाद आज तक किसी ने भी लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनाई और वो भी पूर्ण बहुमत से, ये तमगा सिर्फ एनडीए के माथे ही गया है और वहाँ पर तो बीजेपी, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर पूर्ण मेजॉरिटी में आई। ऐसी जीत से कहीं ना कहीं साथियों का मनोबल बढ़ता है और अलग अलग तरीके से और विचार आते हैं जो हम चाहते थे, क्योंकि शपथ ग्रहण में सारे मुख्यमंत्री को न्योता गया ही था, तो इसी बहाने हमने सोचा कि इसी बहाने बैठक भी कर ली जाए ताकि आगामी आने वाले जितने चुनाव हैं प्लस एनडीए में और क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, किन किन को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कौन कौन साथी अपना समय दे सकते हैं अलग अलग राज्यों में, इसकी भी चर्चा की गई, रोड मैप्स क्या क्या होगा और कौन कौन नए संभावित पार्टनर्स जुड़ सकते हैं, क्या विजन होना चाहिए, तमाम तरीकों के सुझाव को लेकर प्रधानमंत्री हमेशा खुले रहते हैं और सब लोगों ने बहुत गर्मजोशी से इस मीटिंग का स्वागत किया। देखिए एक फ़र्क है हमारे में और इंडी में, ये एमबीए लोग बात करते हैं, ये महाविकास अघाड़ी नहीं है, ये महाविनाश अघाड़ी है,
एक बार महाराष्ट्र का विनाश देख चुके महाराष्ट्र के लोग इनके नेतृत्व में, जब पुलिस वाले ही उद्योगपतियों के घर में बम प्लांट करने लगेंगे तो उस राज्य का क्या होगा। तो महाविनाश रेगाड़ी को तो आना है नहीं। अब हमारा और इनका जो एक गठबंधन है ये बिल्कुल बिरयानी ऐसा बना हुआ है कि बिरयानी के साथ साथ इसमें कंकड़ भी आ गया है और थोड़ा अचार भी है, थोड़ा रायता भी है, सब मिक्स है। हमारा गठबंधन है शुद्ध दाल चावल सब्जी का, जो कि भारत के लोग खाते हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये गठबंधन आगे बढ़ रहा है। साथियों को ही भरोसा है, कोई किचकिच पिच पिच नहीं है, कोई एक दूसरे को सलाह देने वाले नहीं। अजीत पवार की जो नाराजगी बीच बीच में सामने आ रही थी, क्या आपको लगता है वो सब कुछ ठीक हो गया है, ऑल इज वेल है? ये पता नहीं अजीत पवार की नाराजगी आपको किसने बता दिया, हमें तो कभी नाराजगी मिली नहीं। वो तो बार बार कहते हैं आजादी, सबको बोलने की आजादी होना चाहिए, अपनी बात कहने की आजादी होना चाहिए। अभी तो वो बोल ही रहे हैं, कल तो तीनों दोनों डिप्टी सीएम और सीएम ने मिलकर सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, उसमें भी सब कुछ पत्रकारों ने खुलेआम पूछा, उन्होंने खुलेआम जवाब दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं। हमारे में ना सीट शेयरिंग की दिक्कत है, ना सीट अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत है, ना ट्रांसफर की दिक्कत है, इनफैक्ट दिक्कत नहीं है, बहुत मजबूती के साथ महायुति आगे बढ़ रही है। तो मतलब जो सीट शेयरिंग की बात की, अभी इस बार भी बीजेपी ज्यादा सीटें लेगी लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी का नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिंदे साहब, तो वर्तमान में जो नेतृत्व है उस पर हम चल रहे हैं, मुख्यमंत्री हमारे में इशू ही नहीं है। आप ये देखिए ना कि 103 सीट लेके भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे जी को कहा कि आप मुख्यमंत्री बनिए, हमारे लिए मुख्यमंत्री पद इशू नहीं है। हमारे लिए है कि हम राज्य और प्रदेश का भला कैसे कर सकते हैं, और इसमें सारे पार्टनर्स के साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी है और अंडरस्टैंडिंग भी है। ठीक है, हमारे साथ निखिल जैन भी हैं जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। निखिल जी आपका स्वागत है। निखिल जी, जो महाराष्ट्र में जो सब हो रहा है, क्योंकि जो अजय आलोक कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे बीच में सब एकता, एनडीए में कोई बिखराव नहीं है, लेकिन जहां महाराष्ट्र की बात करते हैं, इंडिया अलायंस की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि उद्धव ठाकरे ने कह दिया साफ साफ कि मुख्यमंत्री पद के नाम का जो है वो घोषणा कर देना चाहिए कि मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा कौन होगा। इसको लेकर नाना पटोले नाराज हो गए, तो इसको लेकर कैसे हम मान लें कि सब कुछ ठीक चल रहा है, जैसा कि बार बार दावा किया जा रहा है। महेश जी भी कह रहे थे कि नहीं सब कुछ ठीक है, कैसे इस चीज को मान लिया जाए? प्रखर जी, यही गठबंधन और एक ही पार्टी होने में फर्क है कि महाविकास अघाड़ी जो है वो तीन अलग अलग राजनीतिक दलों का एक गठबंधन है, और जो महायुति है वो बेसिकली बीजेपी और उसकी दो फ्रेंचाइजी पार्टीज है। अगर मतभेद नहीं होंगे तो दो तीन अलग पार्टी होने का मतलब क्या है, फिर तो एक ही पार्टी कर देते हैं, फिर तो इन सबको मर्ज कर लेना चाहिए। अगर ये छोटे छोटे मतभेद रहते हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ, शरद पवार के एनसीपी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ, तो यही लोकतंत्र को दर्शाता है कि कैसे इस गठबंधन में, कैसे इंडिया अलायंस में एक लोकतांत्रिक मूल है। हालांकि अगर आप एनडी अलायंस को देखें, भाजपा के गठबंधन को देखें, वहां पे कोई भी प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोलता, कोई भी प्रधानमंत्री की नीतियों से अपना मतभेद नहीं जाहिर करता, तो लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? वो तो फिर एक ही इंसान का, एक ही एक इंसान का डंडा चल रहा है, वो तो ऐसे तो लोकतंत्र लोकतंत्र का ये मतलब भी नहीं होता ना कि आपस में लड़ पड़े, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए, ये भी तो लोकतंत्र नहीं है। आपने कहा कि महाविकास अघाड़ी की सरकार में पुलिस वाले उद्योगपतियों के घर पे बम लगा रहे थे, अब तो पिछले दो ढाई साल से आपकी सरकार है, और जहां तक रहा बॉम्ब थ्रेट्स का मामला तो ये तो एनआईए और केंद्र सरकार के अंडर आता है। आपने अभी तक क्या करा है? क्या वो पुलिस वाले जेल गए? क्या वो पुलिस वालों पे कार्रवाई हुई? क्या उन्हें निष्कासित करा गया? सस्पेंड तो जरूर करा गया है, क्या उन्हें बर्खास्त करा गया है? क्या उनको कन्विक्ट करा गया? आपकी सरकार कुछ कर पाती नहीं है, सिर्फ आप आरोप लगाते हैं और रेवड़ी रेवड़ी औरों को बोलते हैं जब वो सोशल वेलफेयर मेजर्स करते हैं, लेकिन आप खुद क्या कर रहे हैं कि इलेक्शन से चार दिन पहले आपने टोल माफ कर दिए, आपने 1,00,000 करोड़ से ऊपर की स्कीम्स अनाउंस कर दी। ढाई साल से जब आप सरकार चला रहे थे तब आपको ये सब याद नहीं आया, इलेक्शन से ढाई हफ्ते पहले आपको सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन निखिल जी आप ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो क्रीमी लेयर का जो दायरा बढ़ाया गया है महाराष्ट्र के अंदर, जो 8,00,000 से 15,00,000 किया है, उस पर क्यों नहीं बोल रहे? आपसे टोल रोड पे क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैं उस पर भी बोल देता हूँ। मेरी जो व्यक्तिगत राय है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी की राय है या नहीं है मुझे नहीं पता, मेरी व्यक्तिगत राय के हिसाब से ये गलत है। जब भी आप क्रीमी लेयर की दायरा बढ़ाते हैं, आप 8,00,000 से 15,00,000 करें या 8 से 10 करें, आप बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जिनके पास आर्थिक सामर्थ्य ज्यादा है उन लोगों को आप वो कोटे का बेनिफिट दे रहे हैं, और दे आर कंपीटिंग विद पीपल जो एक गरीब घर से आते हैं। आप मुझे ये बताइए कि एक किसान, बिल्कुल सही बात है, अच्छा है आप बाहर रहकर ये कांग्रेस को सलाह दे रहे हैं, कहीं कांग्रेस के नेता के अगर विचार इस तरह के होते तो काफी दिक्कत हो जाती। खैर, हमारे साथ गुलाब चंद्र दुबे जी भी साथ में है, शिवसेना संदे गुट के हैं। गुलाब चंद्र जी, चुनाव आयोग से तो ठीक है आपकी पार्टी को संबल वगैरह सब मिल गया, लेकिन क्या जनता आपको इन चुनावों के अंदर असली शिवसेना जो है वो मानेगी? जी प्रखर जी, अगर आयोग ने दे दिया
लोकतंत्र के तहत हमें हमें हमारा सिंबल मिल गया, हिंदुत्व से सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के विचार मिल गए, हिंदुत्व का वह परंपरा प्रचलन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं उनके विचारों के साथ, तो निश्चित तौर पर जो बाला साहब ठाकरे के विचारों से सहमत महाराष्ट्र के 12.5 करोड़ जनता जनमानस जब उनके साथ थी, उसी परंपरा का उसी वरासत को विरासत को बचाने की जतन करने के लिए हम लोगों ने संकल्पित हैं आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में, तो क्यों नहीं महाराष्ट्र मेरा साथ देगा, इसमें कोई संदेह नहीं। रही बात हमारे आदरणीय निखिल जी जिस ढंग से लोकतंत्र की बात कर रहे थे, 21 लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र के तहत अभी अभी इन्हीं के लोगों ने महा विकास आघाड़ी के लोगों ने जिस ढंग से चुनाव आयोग के ऊपर इन्होंने लांछन लगाया, राजीव जी को टी सेशन के बारे में कहा वो बहुत अच्छे थे, राजीव जी बहुत बुरे हैं, इन्होंने गुहार लगाना शुरू कर दिया कि देखिए जो हरियाणा में हुआ उसका पुनरावृत्ति महाराष्ट्र में न होने पाए, क्या ऐसी इनके ऊपर स्थिति आफत आ गई जिसके लिए कि हरियाणा में क्या इनको इसे दिखा कि महाराष्ट्र में न हो। सच तो यह चीज के लिए जान चुके हैं समझ चुके हैं कि महाराष्ट्र का पुनरावृत्ति हरियाणा का पुनरावृत्ति महाराष्ट्र में होने जा रहा है, महायुति एक बार पुनः अपनी सरकार स्थापित करने जा रही है, इनको इस बात का आभास हो गया है। और ये किस एंटी गठबंधन का किस धर्म का निर्वाह कर पा रहे हैं ये प्रखर जी, जरा आप कल्पना करिए, इनकी प्रियंका चतुर्थी अलग भाषा में बात करती है, संजय राउत अलग भाषा में बात करते हैं, ये अपने ही गठबंधन के लोगों को नशे देना शुरू करते हैं, विशेष करके कांग्रेस लोगों को इनको आईना दिखाना शुरू करते हैं कि आप लोग का क्या अस्तित्व है, इनको बताने और जताने के चक्कर में पड़ गए हैं। तो हम लोग महाराष्ट्र में सुसज हो चुके हैं, हमारे महायुति में ब्लू प्रिंट तैयार हो चुका है और हम लोग बहुत सलीके और तरीके से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना। अभी आप हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछ रहे थे कि आपका चेहरा कौन होगा, ये भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का सामंजस्य माननीय बाला साहब ठाकरे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, प्रमोद महाजन के द्वारा स्थापित किया हुआ मैत्रीपूर्ण संबंध आज का नहीं है, पिछले 29 वर्षों से संबंध है। 103 सीट पे हमारी भारतीय जनता पार्टी है और हम 35 सीट पे हैं प्रखर जी, इतना बड़ा हृदय दिखाने का काम हमारा भारतीय जनता पार्टी हमारे भाई ने किया है कि मुख्यमंत्री वर्तमान में महाराष्ट्र सूबे के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी होते हैं। लेकिन गुलाब जी इतना बड़ा हृदय अगर पहले ही दिखा देते तो आपकी पार्टी टूटती भी नहीं। सच ये है कि उद्धव ठाकरे जी उस विरासत को आगे ले चलना नहीं चाहते थे। अच्छा, देश को, और आपको भूलना नहीं चाहिए कि यही माननीय बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि जिस दिन मुझे इन कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ेगा उस दिन मैं अपना दुकान बंद कर दूंगा, मैं किसी कीमत पे किसी हालत पे राजनीतिक समीकरण को बांधने के लिए कांग्रेस साथ कभी नहीं जाऊंगा। वो उनके विचार विघटन हो गए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ओरिजिनल शिवसेना आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के साथ वही निर्वाह किया जो विगत 25-26 वर्षों से शिवसेना के साथ निर्वाह किया करते थे। हाँ, यह है कि महाराष्ट्र के राजनीतिक परिवेश के अंतर्गत परिवेश में या राजनीतिक पटल पर कभी वो छोटे भाई, कभी हम बड़े भाई, कभी वो बड़े भाई, हम छोटे भाई का यह क्रम बना रहा, लेकिन विशेष करके भारतीय जनता पार्टी शिवसेना और वर्तमान अजित पवार का यह जो हमारा सामंजस्य संगठन बना हुआ है इसमें हम लोगों के अंदर कोई भेद कोई भाव नहीं, बड़े अच्छे ढंग से सीट शेयरिंग को लेकर के हम लोग अपना अपनी तैयारी कर चुके हैं। बहुत जल्दी आपके स्क्रीन के ऊपर हमारा वह भी स्वरूप दिखाई देगा जो आप देखेंगे और देश देखेगा प्रखर जी। अजय जी कुछ कहना। अजय जी, प्रखर जी अभी आपने कहा कि पहले ही बड़ा हृदय दिखा देती भारतीय जनता पार्टी तो आपकी पार्टी टूटती नहीं, हमारा बड़ा हृदय दिखाने में हम कभी कंजूसी हमने नहीं की, वहाँ बात हो गई थी मूल्यों की। उद्धव ठाकरे ने झूठ बोला प्रधानमंत्री का नाम लेके और अमित शाह का नाम लेके कि मुख्यमंत्री बनाने की बात हमारे से हुई थी कि शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा, झूठ बोल रहे थे उद्धव ठाकरे। तो झूठ की नींव पर कोई बिल्डिंग नहीं तैयार होती है, और जो झूठ बोले उसके साथ बड़ा हृदय नहीं दिखाना चाहिए, इसीलिए हमने ये नीतिगत निर्णय लिया कि हम ये नहीं करेंगे। ठीक है अवधेश जी, आपने सारी चर्चा सुनी और देखिए जो अभी हरियाणा से जो नतीजे सामने आए हैं कुछ दिन पहले, तो ये साफ साफ अब लग रहा है कि जो मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे उन्हें सफलता मिलेगी, और अब लड़ाई जो है वो एकता के आधार पर ही होगी कि जो गठबंधन बटेगा वो कटेगा, ऐसा लग रहा है अब राजनीति में। और क्या महाराष्ट्र के चुनाव में भी ये नजर आएगा? नहीं, जरा आपकी जो पंक्ति है उसमें थोड़े संशोधन की आवश्यकता है जी। हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी अकेले ही लड़ी है, एकता जो पार्टी के अंदर थी कांग्रेस में नहीं सीट दिखाई है। देखिए ऐसा है कि
देश को चलाने के लिए गठबंधन करना ये तो ठीक है, लेकिन केवल गठबंधन के आधार पर चुनाव लड़े, गठबंधन की सरकारें चले, ये तो ये नैरेटिव जो इस देश में 1995 के बाद से बनी थी, एक बार बीपी सिंह के समय बनी, वो ध्वस्त हो गई है। उसने देश का बहुत नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल, एक मेजर पार्टी जब सशक्त रहती है और उसमें नेतृत्व की क्षमता होती है, उसकी अपनी एक दिशा होती है देश के बारे में, और उसके पास संसदीय अंगणित होता है या विधानसभा में, तभी वो अपने साथियों को भी सही दिशा में ले जाती है और साथियों को विश्वास होता है कि भैया इनके साथ चलेंगे तभी जीतेंगे। बाकी जो है वो तो चाहे मोहन भागवत जी ने कहा हो, चाहे प्रधानमंत्री ने, बाकी कमजोर की भाषा दुनिया सुनती नहीं है हमारे यहाँ। तो इसलिए मिलजुल के सरकार चलाओ, सब बराबर हो, तो हमारे यहाँ क्या होगा? वो आपने अभी INDIA को दिखाया है कि क्या स्थिति है। एक चुनाव कांग्रेस बहुत कम वोट से हारी है, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के विजय के मुंह से ये जीत छीनी है, इसलिए वो हार ये महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि हम सब लोग 8-9 दिन पहले मेरी धारणा बदली, नहीं तो पहले तो मैं भी यही मान रहा था। जब कांग्रेस के लोगों ने मुझे 20-22 वीडियो भेज दिए चुपचाप कि इसको देखिए और तब बोलिए, तब मेरी कुछ समझ में आई कैसे धरातल बदला है। देखिए आज तो मैं इसी पर केंद्रित रहूंगा। अभी इस समय दो शपथ ग्रहण समारोह हुए, एक दिन पहले जम्मू कश्मीर में हुआ है और आज हरियाणा में हुआ। दोनों के दृश्य को देखिए, दोनों ओर से आने वाले वक्तव्यों को देखिए, निकलने वाले संदेशों को देखिए और मूल्यांकन करिए, तुलना करिए। लोकसभा चुनाव के बाद ये ग्रुप जो हाथ में लाल किताब लहराते हुए, मतलब इस समय तो दूसरे प्रकार की लाल क्रांति हो रही ना, उस समय लाल क्रांति वाले जो थे उनका तो थोड़ा बहुत कमिटमेंट था अपने मार्क्सवाद के प्रति, ये जो नए लाल क्रांति वाले हैं इनका तो कमिटमेंट भी नहीं है किसी विचार के प्रति। और तो ये जो लाल क्रांति लहरा रहे थे और पार्लियामेंट में लोकसभा के अध्यक्ष से लेकर के उपराष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री तक सबका उपहास उड़ाते थे कि हमने इनका कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया है, तो शांति से हरियाणा से एक जवाब उत्तर मिलना शुरू हो गया है उसका। ठीक, और ये जो आज का जमावड़ा था वो एक इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि यहां के बाद से अब देश की राजनीति का जो एनडीए केंद्रित या भाजपा केंद्रित नैरेटिव था वो आपको बदला हुआ दिखाई देगा। अब मेरा सवाल अवधेश जी ये था कि एकता जो है, गठबंधनों की एकता, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा महाराष्ट्र में? नहीं, वहां के गठबंधन का भाई, सुनिए, आप एनडीए की बैठक कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आज एनडीए की वहां बैठक होती और महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव नहीं होता तब क्या इसका निष्कर्ष निकाला जाता? एकता तो है ही, वहां भी आप देख लीजिए कि अभी बीजेपी के एक नेता ने एकनाथ शिंदे के विरुद्ध एक बयान दिया, वो वहां के राष्ट्रीय स्टेट कार्यकारिणी के सदस्य थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया और उनको लोगों ने कहा त्याग पत्र देना दे दो, क्योंकि हमने जिसको अभी मुख्यमंत्री बनाया है उसका सम्मान हमारे हाथ में, हम चुनाव में जा रहे हैं, आगे मुख्यमंत्री बनना नहीं बनना वो एक अलग विषय होता है, लेकिन इस समय है। दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि एक उद्धव ठाकरे स्वयं मंच पर खड़ा होकर कहते हैं कि मैं तो कांग्रेस को कहता हूं तीनों पार्टी अपना ही मुख्यमंत्री तय कर दो, लेकिन तय करो, हम देने के लिए तैयार हैं। और हरियाणा के चुनाव के बाद जिस पार्टी को 1.79% वोट आया है वो भी व्यंग कटाक्ष कर रही है, वहां से संजय राउत जी कटाक्ष कर रहे हैं, बाकी पार्टियां कटाक्ष कर रही है, समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, कोई मीटिंग नहीं हुई सीट की, 7 सीटें घोषित हो गई है, 4 सीटें मांग रहे हैं, और महाराष्ट्र में जाके कह रहे हैं कि यहां तो समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीटें चाहिए। कारण क्या होता है जी? कि जब आप बिना लक्ष्य के एक दृष्टि है किसी प्रकार से हमारी सत्ता आए, कि नरेंद्र मोदी भाजपा के कारण हमारी सत्ता गई है, तो ये एकजुट हो गए तो सत्ता पाओगे, इतना ही है वहां, तो उसमें लगता है कि भाई यहां इनको कम भी देंगे तो हमको सत्ता मिल जाएगी, तो वो विचार नहीं रहता है। अगर कोई एक बड़ा लक्ष्य के साथ, एक बहुत राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ अगर INDIA बना होता तो नीतीश जी जाते ही नहीं। अजय आलोक जी का नीतीश जी से पुराना रिश्ता है, पार्टी में रहे हैं, जो उनका स्वभाव है जितना उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ बोल चुके थे और फिर वापस आए, कहे कि वहां तो कुछ है ही नहीं। अरे लाइटर नोट में अजय जी से पूछ ही लेता हूं मैं, नीतीश कुमार जी आज पहुंचे नहीं चंडीगढ़? ठीक है सब, ललन सिंह जी वहां पे थे, संजय, लोग ये चर्चा कर रहे हैं बार बार।
नहीं, संजय झा थे जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और ललन सिंह जी थे जो जेडीयू की तरफ से केंद्र सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो लोग दोनों थे, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा और ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि जो फारूक अब्दुल्ला और अखिलेश यादव ने जो कांग्रेस को नसीहत दी है उसका क्या आखिर में अंजाम होगा और उसका क्या चुनावी गणित जो महाराष्ट्र और झारखंड में नजर आएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। जमैया, किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर वन पशु आहार। सारी छुरियाँ भर देती है, दीवार हमवार कर देती है। तो पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बेटियां घर की रौनक है, बेटियां घर सवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है, ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। तो ब्रेक के बाद दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कि जो एनडीए गठबंधन है और एनडी गठबंधन है वो किस तरह से तैयार है महाराष्ट्र चुनाव के लिए, और हरियाणा से जो संदेश एकता का देने की कोशिश की गई है और जो श्रीनगर से संदेश देने की कोशिश की गई है उसका क्या असर होगा। लेकिन हम उसके पहले बता दें कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया और बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा। जो जम्मू कश्मीर में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ, वह कार्यक्रम भारत के संविधान के तहत पहली बार आजाद भारत में हुआ। यह बताता है संविधान की ताकत और यह बताता है धारा 370 का एब्रोगेशन का अर्थ क्या होता है। इसके पहले ओथ टेकिंग शपथ ग्रहण कार्यक्रम वो जम्मू कश्मीर के संविधान के तहत होता था। पहली बार आजाद भारत में मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में भी शपथ ग्रहण समारोह भारत के संविधान के अनुरूप हुआ। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा में झूठ फैलाने की काफी कोशिश की लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। हरियाणा के चुनाव में झूठ को फैलाने का विपक्ष ने प्रयास किया था, इंडिया अलायंस ने प्रयास किया था, उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है। किसानों का साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिला, आशीर्वाद मिला। नौजवानों का साथ भारतीय जनता पार्टी को मिला, खिलाड़ियों का साथ भारतीय जनता पार्टी को मिला और आम नागरिक ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया और हमारा सीट शेयर भी और हमारी सीट टैली भी दोनों भी हमारी बढ़ी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि 1975 के बाद राज्यों में एनडीए सरकार की मौजूदगी सबसे अधिक है। 1975 के पश्चात नॉन कॉमन गवर्नमेंट, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट की प्रेजेंस इतनी भारी मात्रा में जो देश के विकास के लिए और देश को प्रगति की ओर ले जाने के लिए जिन लोगों ने आगे बढ़ने का जो प्रयास किया है वो आज इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हम लोगों को देखने को मिला है। तो आइए दो टूक में चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। एनडीए की बैठक हो गई है और जेपी नड्डा ने जो कहा है वो आपने सुन लिया और अब चर्चा में हम निखिल जैन साहब को मैं शामिल करना चाहूंगा जो कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ तो मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निखिल जी, जो श्रीनगर के अंदर जो जमावड़ा किया था एनडीए अलायंस ने वो किया था एकता का प्रदर्शन करने के लिए, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, उसमें कोई बुराई भी नहीं होता है राजनीति में, लेकिन
जिस तरह के बयान वहां पर अखिलेश ने दिए और जो नसीहत दी, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चलेगी तो वो संगठन गठबंधन को सफलता मिलेगी। इसके अलावा जो सीटों को लेकर उन्होंने कह दिया है कि महाराष्ट्र को ज़्यादा सीटें चाहिए, तो ये किस तरह की पॉलिटिक्स जो है वो इंडिया अलायंस के बीच में हो रही है? क्या कांग्रेस एक हरियाणा का चुनाव हारने से क्या उसे बैकफुट पर धकेलने की कोशिश हो रही है? देखिए प्रखर जी, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की जो हार हुई है हरियाणा में, उसके बाद कांग्रेस पार्टी एक बैकफुट पे आएगी। अगर मैं यहाँ के बोलूँ कि कोई भी बैकफुट पे नहीं है कांग्रेस पार्टी, तो वो साफ साफ झूठ होगा। लेकिन इसके साथ मैं अपनी बात वहीं दोहराऊंगा कि इंडिया गठबंधन एक गठबंधन है जहां पे पार्टियों के बीच में मतभेद है। हमें इन मतभेदों को मनभेद की तरह नहीं देखना चाहिए। जब से इंडिया अलायंस बना है, 1.5-2 साल हो गए, मैं टेलीविजन चैनल्स पे हर चैनल दर चैनल हर दूसरे दिन तीसरे दिन यही डिबेट होती है कि क्या इंडिया अलायंस चलेगा, क्या ये गठबंधन टूट तो नहीं जाएगा। लेकिन आप देखिए कि ये गठबंधन 2023 में बना, तब से चलता रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में इतना अच्छा प्रदर्शन दिया उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों में देश के, और उसके बाद भी, लोकसभा चुनाव के बाद भी गठबंधन आज भी चल रहा है और चलता रहेगा। क्योंकि अजय आलोक जी ने कहा या शायद अवधेश जी ने कहा था कि ये गठबंधन सत्ता को हासिल करने के लिए बना है। अगर ये गठबंधन केवल सत्ता को हासिल करने के लिए बना होता तो कांग्रेस पार्टी भी 1 या 2 कैबिनेट मंत्री के पोस्ट लेके जम्मू एंड कश्मीर सरकार का पार्ट बन सकती। वो तो कैबिनेट मंत्री के दो खबरें आ रही है, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाह रहा हूँ। दो खबरें आ रही हैं कश्मीर में जो कैबिनेट की पोस्ट की बात करी। पहली खबर ये कहती है कि कांग्रेस 2 सीटें मांग रही थी, लेकिन अब्दुल्ला परिवार उन्हें 2 सीटें देने के लिए दो मंत्री पद देने के लिए तैयार नहीं था। और दूसरी बात यह है कि 370 एक ऐसा मुद्दा है जो बार बार उसकी बहाली की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। अगर वो सरकार में कांग्रेस होती तो झारखंड और महाराष्ट्र में उसको जवाब देना मुश्किल हो जाता। तो यहाँ पर जो कहानी है मंत्रिमंडल में शामिल होने की, ये त्याग की कहानी नहीं है, इसके पीछे राजनीति कुछ दूसरी है। निखिल देखिए प्रखर जी, ये देखने का नजरिया है जो आप कह रहे हैं कि ये खबरें आ रही हैं, ये सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि उमर अब्दुल्ला जी ने या राहुल गांधी जी ने या मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ऐसा कहा है कि हमें 2 मंत्री पद चाहिए थे, 2 नहीं मिले तो इसलिए हम शामिल नहीं हो रहे। हो सकता है जो आप कह रहे हैं सही है, हो सकता है जो मैं कह रहा हूं वो सही है। लेकिन एक बात जाहिर सी है कि केवल सत्ता के लिए ये गठबंधन नहीं है। अगर जिनको सत्ता से प्रेम था वो नीतीश कुमार की तरह ये गठबंधन छोड़ के भाजपा के चरणों में जा चुके हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो चाहे वो अजीत पवार हो, जो चुनावी रूप में अच्छा कर पाए हैं जैसे एकनाथ शिंदे ने करा, उनको आज फिर भी एक पावर मिल रही है। और जो नहीं कर पाए अच्छा जैसे अजीत पवार थे, आज वो देख रहे हैं अजीत पवार की कैसे एक के बाद एक स्टेटमेंट्स आ रही है बीजेपी के खिलाफ। तो द्वेष तो और मतभेद तो एनडी गठबंधन में भी है, भाजपा के खिलाफ भी है, और ये जाहिर सी बात है गठबंधनों में ये चलता रहेगा। हमें ये देखना है कि देश की जनता क्या एक ऐसा अलायंस चाहती है जिसमें सिर्फ एक ही नेता की बात हो, एक ही तरीके की बात हो, लोगों के जो देश की मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनकी कोई बात ना हो। जब दूसरे कोई करें तो आप उन्हें बोल दो कि वो रेबड़ी दे रहे हैं, जब आप करें तो आप बोलो बाबा हमने मास्टर स्ट्रोक करा है, हम लाभार्थी बना रहे हैं। देश की जनता को ये देखना है कि विल दे सी थ्रू दिस, कि क्या वो देखेंगे कि भाजपा उनको केवल भड़काने की कोशिश कर रही है, या फिर वो ये देखेंगे कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेकर भाजपा आज आगे बढ़ रही है उन्हीं मुद्दों के साथ सालों से और दशकों से चलती आई है। जब कांग्रेस पार्टी 2019 में न्याय स्कीम की बात उन्होंने करी और कहा कि 6,000 रुपए हर गरीब घर के घर की महिला को दिए जाएंगे, तब भाजपा ने उसका मजाक उड़ाया, उसे रेवड़ी कहा। आज क्या हो रहा है, लाडली बहना स्कीम में 1,500 कभी 2,000 कभी 1,000 रुपए महीने का दिए जा रहे हैं। बात यह है कि जब आप गरीब जनता के हाथ में पैसे देते हैं तो उससे जनता की भलाई होती है, देश के उद्योगों को ज्यादा। लेकिन देखिए जो कांग्रेस ने वादा किया था चुनाव के नतीजों के बाद, उसका असर भी देखने को मिल गया। किस तरह से कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर भीड़ लग गई थी, तो ये असर भी तो दिखाई दिया ना। नहीं देखिए, मेरा मुद्दा यहाँ पर सिर्फ इतना है कि कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं वो प्रदेश दर प्रदेश बदलती नहीं। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में भी यही कहती है कि हमें गरीबों और पिछड़ों का उद्धार करना है, इंडिया गठबंधन यही कहता है हर गरीबों पिछड़ों का उद्धार करना है, वो तो राजनीतिक बात होगी। मेरा कहना यह है कि अखिलेश यादव सीट मांग रहे थे 5 हरियाणा में, आपने बात की एकता की, सब तरह की बातें की, अहिरवाल जो पूरा इलाका है वहां पे 5 सीट मांग रहे थे, आपने एक भी सीट नहीं दी। और जैसे नतीजे आए, उन्होंने उत्तर प्रदेश की जो 10 विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं उसमें सीधे सीधे 6 उम्मीदवार अपने घोषित कर दिए बिना कांग्रेस से सलाह लिए हुए, और अब वो कह रहे हैं, आज उनका बयान आया है कि महाराष्ट्र के अंदर उन्हें ज्यादा सीटें चाहिए। प्रखर जी, उन्होंने 6 उम्मीदवार दिए हैं, 10 सीटों पे चुनाव होने थे, तो बाय द वे उस पे भी आपके दर्शकों को अजय राय तो 5 मांग रहे थे, अब तो कह रहे हैं 1 या 2 मिलेंगी।
नहीं, वो अभी देखते हैं कि कितनी सीटों का किस हिसाब से बंटवारा होगा, लेकिन ज्यादा जरूरी मुद्दा उत्तर प्रदेश के बाय इलेक्शंस में ये है कि मिल्कीपुर सीट जो अयोध्या जिले में पड़ती है उस पे इलेक्शन कमीशन क्यों चुनाव नहीं करवा पा रहा। इलेक्शन कमीशन का तर्क ये है कि वहां पे इलेक्शन पिटिशन है। इलेक्शन पिटिशन किस चीज को लेके है, जो पूर्व विधायक है उन्होंने गलत हलफनामा दिया था, वो पूर्व विधायक आज की डेट में सांसद बन चुके हैं, तो वो पिटिशन अपने आप इंफ्रक्चुअल है, लेकिन इलेक्शन कमीशन वहां पे चुनाव नहीं करवा रही, ये एक ज्यादा बड़ा मुद्दा है। और साथ ही साथ एक और छोटी सी चीज मैं आपके दर्शकों को याद दिला दूं, अवधेश जी अभी जिस लाल किताब पे तंज कस रहे थे कि विपक्ष के नेता एक लाल किताब लहरा रहे हैं, 30 साल पहले कोई और लाल किताब लहराता था, वो लाल किताब इस देश का, भारत का संविधान है। अगर आप उस पर तंज कस सकते हैं तो मैं आगे कुछ बोलना नहीं चाहूंगा कि भाजपा और उनके समर्थक किस तरीके से संविधान की इज्जत करते हैं, ठीक या नहीं करते। ठीक, महेश चौहान जी, अखिलेश यादव महाराष्ट्र में मांग रहे हैं ज्यादा सीटें, अब महाराष्ट्र में जो सीटें मांग रहे हैं तो आपकी जो पार्टी है एनसीपी शरद पवार गुट, उसका तो यूपी में कोई लेना देना नहीं है, तो अगर अखिलेश ज्यादा सीटें मांगते हैं तो किसके खाते से जाना चाहिए? क्या ये जो क्षेत्रीय पार्टी है महाराष्ट्र की, क्या उनके लिए गलत संदेश नहीं जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, निगोशिएशन करना, बातचीत करना सभी का अधिकार है। हर किसी को यह लगेगा, स्वाभाविक है कि उनकी पार्टी बढ़नी चाहिए, उनको अगर उस पे से लगता है कि उनको महाराष्ट्र में स्कोप है तो इस हिसाब से उन्होंने मांगी होगी। आप देखिए, मुंबई में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग आते हैं उनका काम करने के लिए, उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। अगर समाजवादी पार्टी को लगता होगा कि उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने यश प्राप्त किया अभी लोकसभा चुनाव में, उस हिसाब से अगर वो मुंबई में या महाराष्ट्र में कुछ सीटें लड़े तो उन्हें शायद उसमें सफलता मिलेगी, ऐसे उन्हें लगता होगा। नहीं, लेकिन अगर आप ही तीन लोगों के बीच में सीटों को लेकर इतनी मारा मारी चल रही है, अब चौथा और दावेदार आ गया बाहर से, वो कह रहा कि नहीं मुझे तो 12 सीटें चाहिए, अबू आजमी का बयान है कि 12 सीटें हमको दे दो। नेगोशिएशन तो होगी ना, नेगोशिएशन पहले दिन से चल रही है, इसके लिए तो चर्चाएं होती है, इसके लिए तो बैठकें होती है, अभी अंतिम चरण में आया हुआ है। जैसे कि मैंने कहा, ये होपफुली ये अगले हफ्ते में ये सब अनाउंसमेंट हो जाएगी, ठीक। तो हम लोग यही दोहरा रहे हैं कि बिल्कुल एकजुट है और निगोशिएशन करना, चर्चाएं करना सबका हक है, सबका अधिकार है, ठीक। और ठीक है डॉक्टर अजय, लोग जो बार बार जो हरियाणा के चुनाव को लेकर एक बात कही जा रही है, लोग कह रहे हैं, जानकार कह रहे हैं कि ये जो बीजेपी की जीत है, ये बीजेपी की जीत अपनी जगह पर है लेकिन उससे बड़ी है कांग्रेस की हार है, यानी कांग्रेस हारी हुई बाजी, जीती हुई बाजी हार गई। क्या महाराष्ट्र में भी बीजेपी इसी फॉर्मूले पे है कि अगर इंडिया अलायंस में वहां पर खटपट होती है तो ये प्लस पॉइंट बन जाएगा, या इसी तरह की कुछ है, या आपकी भी कुछ जमीन पर अलग तैयारी है? देखिए, मैं आपके बात का जवाब देता हूं, लेकिन अभी हमारे मित्र निखिल जैन जी ने कहा कि लाल किताब लहरा के ये तंज कर रहे हैं बीजेपी के समर्थक। ये लाल किताब हमारी संविधान है, और संविधान का मजाक आप लोग उड़ाते हैं। संविधान का मजाक तो छोड़ दीजिए, आपने बाबा साहब को अपने पैरों के नीचे रखा है राहुल गांधी ने, इसको ज़रा जूम कर लीजिए, जरा जो मैं दिखा रहा हूँ इस चित्र में, बाबा साहब की फ़ोटो देखिए नीचे पैर पे है, यहाँ राहुल गांधी फोटो खिंचा रहे हैं। ये है आपकी पिछड़ी जाति, ये है आपका अनुसूचित जाति के प्रति सम्मान, ये है राहुल गांधी का सम्मान, वो बाबा साहब से भी ऊपर है। इसलिए हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और सम्मान आपने कभी दिया ही नहीं पिछड़ी जाति को। सच्चाई ये है, इसका सबूत ये है कि चाहे काका कालेकर कमीशन हो, चाहे मंडल कमीशन हो, चाहे राजीव गांधी का भाषण हो लोकसभा में कि मेरिट को हम कभी डाइवर्स नहीं करेंगे, आरक्षण नहीं देंगे सुपर नागरिक बनाने के लिए, अब बार बार आरक्षण, और तो और छोड़ दीजिए, ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा तक नहीं दिया आपने, और आप बात करते हैं संविधान की, अकाट की हांडी तो बार बार चढ़ती नहीं है। ये फोटो है ट्विटर पे, है राहुल गांधी पैर पे रखे हुए बाबा साहब की तस्वीर को, जवाब दीजिएगा जाके जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। संविधान हाथ में लहरा के संविधान मानना नहीं होता है, इतनी संविधान की चिंता थी 75 साल के बाद, आज क्यों जम्मू कश्मीर में पहली बार भारतीय संविधान के तहत शपथ ग्रहण हो रहा है, पहले क्यों नहीं करवा लिया था कांग्रेस पार्टी ने? हम तो नहीं थे सत्ता में, किसी ने मना किया था? गठबंधन की भी सरकार थी, करवा लेते, हटा देते 370, किसी ने मना किया था? भारत को, और आप राहुल गांधी जाके भाषण देते हैं वहां पे, यहां बाहरी आके राज कर रहे हैं, मतलब इनको अभी भी कश्मीर इनको भारत का हिस्सा नहीं लगता है, वहाँ के एलजी इनको बाहरी लगते हैं, ये मानसिकता है इन लोगों की। इसलिए कृपया करके अपने विभाजनकारी सोचों को अब आगे बढ़ाने का एजेंडा बंद कीजिए, ये अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि हम इसी चीज़ के लिए लोगों को जागृत कर रहे हैं, ठीक। पर आपका जो सवाल था महाराष्ट्र को लेकर, देखिए महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, हम बहुत फ्लेक्सिबल हैं। पहले झारखंड में हम आजसू के साथ और जेडीयू के साथ गठबंधन कर रहे थे, आज की तारीख में रामविलास पासवान, चिराग पासवान की पार्टी से भी हमारी बात चल रही है।
जितने अकोमोडेट हम कर सकते हैं हम करेंगे, क्योंकि सबकी यूटिलिटी पता है। और गठबंधन जब आप करते हैं तो आपको दिल को बड़ा रखना पड़ेगा, त्याग करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यहाँ त्याग ही तो कोई नहीं करना चाहता है, एक अपने आप को जननायक कहता है कांग्रेस पार्टी में, दूसरे अपने आप को जननायक कहता है समाजवादी पार्टी में। जननायक तो देश में एक ही होगा ना। ठीक है, दोनों में से कोई नहीं। जी की जो गुट है एनसीपी का, उसको जो कम सीटें मिली थी लोकसभा में, तो हम उम्मीद करें कि इस बार दिल खोलकर आप सीटें देंगे महाराष्ट्र में। भाई देखिए, ये सब बातें तय हो चुकी हैं, कल या परसों में घोषणा हो जाएगी। हम लोग इसको टीवी डिबेट का चर्चा ना बनाए, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये सब घोषणा होकर तय हो चुका है। हम तो सीट तक बांट चुके हैं, कल परसों में फॉर्मली तीनों कोई बैठेंगे और बिल्कुल पक्का घोषणा हो जाएगी। हम चुनाव मोड में आ चुके हैं, अभी हमारी अभी डिस्कशन अब नहीं होगी, अब कंक्लूजन फाइनल है, चले हम बूथ पर। चलिए ठीक है, तो गुलाबचंद जी, जो बार बार आरोप लग रहा है कि ठीक चुनाव के पहले जिस तरह से रेवड़ियां बांटी गई, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है आपकी सरकार पर, जो ओबीसी को लेकर धड़ाधड़ फैसले लिए गए, सात जातियों को जो है महाराष्ट्र के अंदर जो है वो सूची जोड़ा गया ओबीसी लिस्ट के अंदर, तो ये अचानक चुनाव के समय ध्यान आया? जी प्रखर जी, ये इनके सब हो सकते हैं रेवड़िया बटा क्या। हम तो महाराष्ट्र के विकास के नाम पर हमने जनहित योजनाओं को लागू किया, हमें मौका मिला 22 महीने का हम लोगों को मौका मिला, और इनको तो पूरे 25 महीने का मौका मिला था। ये लोगों ने क्यों रेवड़ी नहीं बांट दिया? इनको भी मौका दिया गया था, वहां का जनादेश ने दिया था। सच ये है प्रखर जी कि इन लोगों के अंदर सबसे बड़ी बेईमानी ये है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बल पर 2019 का चुनाव जीतते हैं महाराष्ट्र में मैंडेट लेकर के, और फिर पीछे छुरा भोगने का काम करते हैं। इनसे हम क्या बात करें? और रही बात हमारे आदरणीय श्री महेश चौहान साहब बैठे हुए यहाँ पर, अभी ये कह रहे हैं कि सपा के हमारे उनके बीच में नेगोशिएशन चल रहे हैं, तो क्यों नहीं स्पष्ट करते? इन लोगों के बीच में घमासान मचा हुआ है कि किस चेहरे को लेकर के मुख्यमंत्री के चेहरा लोग ढूंढ रहे हैं। ये हमारा दिल्ली नहीं है, हमारे जय आलोक जी ने बताया कि ये हमारे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी या महायुति के बीच के, ये मेरा विशाल सोच है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में पत्रकारों ने, आप जैसे पत्रकारों ने पूछा कि आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, बड़ी शिद्दतता के साथ देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा कि आपको चेहरा नहीं दिख रहा है। अरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के ही चेहरे पे तो हम लोग 2024 विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, अब तय इनके ऊपर करता है, ये अपना क्यों स्पष्ट नहीं करते इनका चेहरा कौन होगा? हम लोगों में सच पूछो तो, अब जैसा कि हमारे आलोक भाई ने बताया कि कल परसों तक आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारे सीट शेयरिंग को लेकर के पूरा राष्ट्र महाराष्ट्र देखेगा, तय इनको करना है। ये लोग तो इसमें लगे हुए हैं कि हम कांग्रेस का दामन छोड़ करके कोई दूसरी पार्टी ढूंढी, अब कांग्रेस मेरे काम का नहीं रहा। पूरे देश और प्रदेश में कांग्रेस को लेकर के एनडी गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। ये लोग अपना कुनबा संभालने के पीछे परेशान है, कहां से वहां प्रियंका चतुर्वेदी बोलती है, कभी इनके लोग बोलते हैं तो कभी संजय राउत बोलते हैं। तो सच पूछो तो इन लोगों के बीच में वो स्थिति परिस्थिति बनी हुई है कि इनको जगह नहीं कुछ दिख रहा है, इनके मन में भय बना हुआ है कि कहीं हरियाणा का पुनरावृत्ति, ये मान चुके हैं कि हरियाणा की पुनरावृत्ति महाराष्ट्र में होने जा रही है। सच तो ये प्रखर जी, इन लोगों के पास अब भागने के लिए कोई जगह नहीं, इन लोगों के पास रेवड़ी बांटने के लिए कोई अब रेवड़ी भी नहीं बची है बांटने के लिए। महेश जी, ये सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि थोराट साहब भी लगातार कह रहे हैं कि अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो कांग्रेस से होगा, उद्धव ठाकरे अलग बात कह रहे हैं, नाना पटोले अलग बात कह रहे हैं, तो एक बार तय कर लीजिए, बता दीजिए जनता को, कम से कम जनता को क्लियर तो रहे कि आखिर आपके गठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा है कौन। देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी कौन होते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड करने वाले, या एकनाथ शिंदे जी कौन होते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा? उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि हम बाद में तय करेंगे, मैं भी चेहरा हो सकता हूँ, कम से कम ये तो नहीं कहा ना उन्होंने, या बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा ये तो नहीं कहा ना। सुनिए उन्होंने क्या कहा, आपने भी सुना होगा प्रखर जी, मैं ये कहता हूं कि जनता डिसाइड करेगी कौन मुख्यमंत्री होगा, देवेंद्र फडणवीस जी नहीं डिसाइड करेंगे, एकनाथ शिंदे जी नहीं डिसाइड करेंगे, या हम नहीं डिसाइड करेंगे। हम जनता कैसे डिसाइड करेगी? मतलब अमेरिका में जैसे गवर्नर का चुनाव होता है, ऐसे चुनाव हो रहा है क्या महाराष्ट्र में? सुनिए आपको पता होना चाहिए, आपको पता है जी, अभी बीच में मत बोलिए, बीच में गुलाब जी आपके बीच में मैं नहीं बोला, प्लीज जी जी बोलिए भाई जी। देखिए, बहुमत किसे मिलेगा ये कौन तय करेगा? जनता तय करेगी। बहुमत मिलने से पहले, चुनाव के डेट्स अनाउंस होने से पहले मुख्यमंत्री का फेस ये है, मुख्यमंत्री का फेस वो है, ये कैसे डिसाइड कर सकते?
अभी बीजेपी का देखिए, एनडीए का देखिए, बीजेपी 150-160 सीटें लड़ने वाली है, गुलाब चंद जी के पक्ष पार्टी को वो 60 या 70 सीटें देने वाली है, और उसमें गुलाब चंद जी ख्वाब देख रहे हैं कि 150-160 सीटें लड़ने के बाद भाजपा इनको सीएम फेस बना रही है और इनको सीएम बना रही है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एनडीए की, उसमें बिल्कुल देवेंद्र फडणवीस जी ने यह नहीं कहा कि हमारे मुख्यमंत्री का फेस एकनाथ शिंदे जी है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि यहाँ पर बैठे हमारा जो मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर बैठा है। इसका मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने एकनाथ शिंदे जी का नाम लिया। और देवेंद्र आप अपने हिसाब से मतलब निकाल रहे, ठीक ठीक है, गुलाब चंद जी बोलिए जी। मैं ये कह रहा था प्रखर जी, जैसे हमारे महेश भाई ने कहा कि देवेंद्र जी ने ये कहा ये कहा, हमें लग रहा है कि महेश भाई विषयांतर कर रहे हैं, विषय चट रहे हैं। जब पत्रकारों ने पूछा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है महाराष्ट्र 2024 का विधानसभा, तो अस्पष्ट शब्दों में देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा कि आपके सामने बैठे हैं, इन्हीं के नेतृत्व में, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, यही मेरे मुख्यमंत्री के चेहरे। सही बात है, उसमें गलत क्या है? उन्होंने स्पष्ट कर दिया। क्या बोला था देवेंद्र फडणवीस ने, तब तक हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर सवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप पॉलिसी बाजार क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। सारी छुरियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भले, हाँ पुट्टी भले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे हेड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है, और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए नुकसान कम। दादू ए नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस, यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दो टूक में एक बार फिर आपका स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं हरियाणा से निकले संदेश की जो महाराष्ट्र तक पहुंचा। और अवधेश जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो OBC एक फैक्टर बहुत बड़ा महाराष्ट्र में काम करता है, 40% OBC आबादी महाराष्ट्र में कही जाती है, लेकिन लोग कहते हैं इससे भी ज़्यादा OBC आबादी। और दो बड़े फैसले शिंदे सरकार ने जो लिए हैं वहाँ पर, वो एक तो ये है कि जो क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाया गया, और दूसरा उन्होंने एक महत्वपूर्ण फैसला ये लिया है कि जो 7 नई जातियाँ OBC के अंदर शामिल की गई, जिसकी मांग बहुत दिनों से चल रही थी। तो ये फैक्टर कितना बड़ा असर दिखा सकता है इन चुनावों में? देखिए हरियाणा, ये महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के परिणाम के तुरंत बाद हो रहा है, तो उसके साथ इसको मिला के देखेंगे तब ये बात समझ में आएगा जी। लोकसभा, इस चुनाव ने साबित किया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो एक बड़ा झूठा नैरेटिव देश में खड़ा किया गया, और ये देश के साथ जनता के साथ अपराध भी था और पाप भी था कि संविधान खत्म हो जाएगा, अंबेडकर जी का संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, उससे भ्रमित होकर, और उसके लिए कार्यकर्ता तैयार किए गए भारतीय जनता पार्टी, चूंकि समझ नहीं पाई, हम लोग बताते थे भी तो समझ में, 15-20 कार्यकर्ता जो है वो जाते थे दलितों की बस्ती में और भाषण देते थे कैसे खत्म हो जाएगा, काफी संख्या में उसमें फंडिंग हुई थी, NGO सब काम कर रहे थे,
हरियाणा में जो दलितों ने खुल के दलित की तो 20 रैलियां हुई ना, जो उसमें दलित पार्ट वन है, खासकर जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें सब क्लासिफिकेशन कहा है, तो जब कांग्रेस के लोगों ने मेरे के पास भेजा है कि जरा इसको देखिए दलितों की रैली में क्या बोला जा रहा है, और वो रहा था कि हमारे पास तो भैया भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस ने हमको भ्रमित कर दिया था और ये उपवर्गीकरण यही लागू करेगा, तो वहां से शुरू हुआ, पिछड़ों के सम्मेलन हुए, पिछड़ों ने कहा कि हमारे लिए ये है, तो एक बार जिस नैरेटिव के कारण भारतीय जनता पार्टी बहुमत से वंचित रह गई, कांग्रेस 99 तक पहुंच गई या एनडीए मान लीजिए 233 तक पहुंच गई, 230 तक, वो नैरेटिव अगर फेल हो गया है तो अब तो ये चुनाव महाराष्ट्र नॉर्मल दूसरे नैरेटिव पर उड़ा है कि एक आदमी झूठ बोल के हमको ठगा है, तो हमको तो वहां वोट करना है ना, तो इसीलिए पिछड़ी जाति का जो वोट है जो आप बता रहे हैं, पिछड़ी जाति का मेजोरिटी वोट केवल जो है लोकसभा चुनाव में जो है वो कटा था, लेकिन अच्छा। 2014 से आप चुनाव परिणाम देखेंगे तो बीजेपी को पिछड़ी जाति का मेजर वोट मिलता रहा है, और पिछड़ी जाति में 15 जातियों को इन्होंने अलग से शामिल किया, यहां तक कि जिस मराठा की बात हो रही है कि पिछड़ी उसमें से भी एक मेजर वोट मिलता रहा है, तो अब वो नैरेटिव चेंज हो गया है। अब इस समय दूसरा क्या हुआ है वहां कि 2024 के लोकसभा चुनाव के समय जो अजीत पवार तुरंत आए थे तो कार्यकर्ताओं मैंने उसको तुरंत एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये क्या हो गया है, मतलब कमजोर कड़ी साबित हुए वो, नहीं नहीं वो कमजोर कड़ी तो चरा हो जाए, कमजोर कड़ी कार्यकर्ताओं ने उसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन तो अब स्वीकार क्यों कर लेंगे, महाराष्ट्र उस कार्यकर्ताओं की समस्या है और समर्थकों की कि जो व्यक्ति खड़ा होकर अयोध्या को गालियां दे रहा है कि विचार अयोध्या के विचार को हमने पराजित कर दिया है, अयोध्या में नाचने गाने वाले को बुला दिया है, आप वो जानते हैं देश भर में अयोध्या हिंदुत्व के समर्थकों को बार बार और अवधेश प्रसाद को ले जाके अब महाराष्ट्र में घुमा रहे हैं, वो तो कटे पर माने जले पर नमक छिड़कना है ना, तो उनके पास कोई चारा ही नहीं है, जो लोग चले गए थे कि भैया बीजेपी उस पर है नहीं और ये तो निराश करती है, वो सब इस समय वापस आए हैं, इसलिए अलग माहौल में हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि 2019 के चुनाव से बेटर अगर बीजेपी कर दे तो मुझे हैरत नहीं होगी, ये मैं अभी कई टीवी पर बोल के आ रहा हूं, वातावरण बदल चुका है, और दूसरी ओर का जो वातावरण है कि कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस को चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे केरल और कर्नाटक छोड़ दीजिए और तेलंगाना, इसके अलावा कांग्रेस जहां भी गठबंधन में है वो गठबंधन के साथी के बदौलत है, इसलिए उन पर दबाव बढ़ेगा, उनकी मजबूरी है, बीजेपी का ऐसा एक राज्य है आंध्र प्रदेश, सुनिए बीजेपी का एक राज्य है आंध्र प्रदेश जहां ये मजबूरी है इसके पास, बाकी राज्यों में तो बीजेपी अपने बदौलत है, सबसे सशक्त पार्टी है, ठीक है, तो यहां से डिस्कॉर्ड नहीं हो सकता है जो INDIA में है, ठीक है, लेकिन निखिल यही बात जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो बात कही कि गठबंधन अपने साथियों पे निर्भर है कांग्रेस हर तरह से, और कई बार तो बोझ भी बन जाती है कांग्रेस, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है जम्मू के मामले में कि जम्मू में अगर कांग्रेस, सुनिए ममता बनर्जी का कांग्रेस से और वामपंथी पार्टी से क्या लेना देना है, आप जरा हमको बताइए, समाजवादी वैसे वो वैसे देखा जाए तो एनसीपी और कांग्रेस का भी क्या लेना देना है, समाजवादी पार्टी को पता है कि हमारे कारण ही इनको वोट मिलना है, तो आप जो कह रहे हैं उसका फैक्चुअली देखिए ना कि सिचुएशन क्या है, दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी नहीं देगी सीट तो कितने सीटें कांग्रेस जीत जाएगी, ठीक है, वही बात जो अभी जम्मू कश्मीर में हुई, तो निखिल हम तो जब देख रहे थे जो नतीजे आ रहे थे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के, तो कांग्रेस के प्रवक्ता ना सिर्फ हमारे चैनल में बाकी जहां भी जिस चैनल में बैठे हुए थे बार बार जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों का जिक्र करते थे और कहते थे कि जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों पर बात ज्यादा होना चाहिए, देखिए यहां पर हम जीत रहे हैं, और वो सहरा एक तरह से अपने ऊपर बांधने की कोशिश कांग्रेस के सारे प्रवक्ता टीवी चैनल्स की डिबेट में कर रहे थे, लेकिन उसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने इसके पूरे गुब्बारे की हवा निकाल दी, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने जम्मू के क्षेत्र में बीजेपी के नैरेटिव का ढंग से मुकाबला किया होता तो हमें और ज्यादा सीटें मिलती, 38-29 पे चुनाव लड़े, 6 पर आ गए, पिछली बार 12 पे थे, आधे हो गए, और उसके बाद भी जीत का सहरा बांधना चाहते हैं, तो कई बार तो कांग्रेस जो है वो अपने सहयोगी दलों पर बोझ भी साबित हो जाती है, हमने देख लिया जम्मू कश्मीर में, प्रकट जी कई सारी बातें कही गई हैं डिबेट में, तो मैं एक एक करके उनका सबका जवाब देना चाहूंगा, अजय आलोक जी सबसे पहली बात तो मैं आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि अजय आलोक जी के विसर्जन है साफ कर दिया कि भाजपा के गठबंधन किस हिसाब से होते हैं, उन्होंने क्या बोला, हम बहुत फ्लेक्सिबल हैं, हम इसके साथ भी जा सकते हैं उसके साथ भी जा सकते हैं, तो साफ दर्शकों को देखना है कि सत्ता के लिए गठबंधन कौन सा बनता है। फिर ये कहा गया कि महाराष्ट्र में सब कांग्रेस से दूर भाग रहे हैं बिना ये देखे हुए कि 2024 लोकसभा चुनाव में सबसे बढ़िया प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा कि उन्होंने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा उसमें से 13 जीती,
17% उनका वोट शेयर है, विच इज द सेकंड हाईएस्ट, सबसे दूसरा वो सबसे तो हरियाणा में बहुत अच्छा रहा था, और 5 सीटें जीत गई थी. एग्जैक्टली यही पॉइंट अब मैं हरियाणा में आधार पे तो अब हो ही नहीं सकता कि 2024 के जो नतीजे हैं वही की वही बरकरार रहेंगे, तो हरियाणा ने बदल के दिखा दिया. नहीं नहीं, अगर आप वोट शेयर देखेंगे प्रखर जी तो 40% के लगभग भाजपा का है और 39% का कांग्रेस का है. कांग्रेस की जो पुअर था हरियाणा इलेक्शंस में, जिस वजह से वो एक जीता हुआ चुनाव हारे हैं, वो उनकी पुअर ग्राउंड मैनेजमेंट थी. 17 ये जो आप वोटिंग परसेंटेज से गणित बताते हैं ना, तो देखिए जो 2018 का जो मध्यप्रदेश का चुनाव जो था, जिसके अंदर कमलनाथ बाद में मुख्यमंत्री बन गए थे चुनाव के बाद, उसमें बीजेपी का वोट परसेंटेज ज्यादा था. ये सब गिमिक्स जो है ना, कि आंकड़ों की राजनीति, इसका रिजल्ट क्या रहा ये मायने रखता. एंड ऑफ द डे विक्ट्री तो भाजपा की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है. जिस तरीके से 2018 में कांग्रेस विवाद में सवा सवा लाख से मुस्लिम कैंडिडेट जीते हैं, वही बात है कि जो आपके कैंडिडेट जीते हैं वो ज्यादा वोटों से जीते, इतना बढ़ गया है कि तीन चार आंकड़ों की जो जादूगरी है ना, इसको दूसरी तरफ भी पलटा जा सकता है, वोट जो है 1.5% बढ़ जाता है. प्रखर जी, मैं सिर्फ उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ जहाँ ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन के साथियों पे बोझ बन जाती है. राजस्थान में तो गठबंधन के हमने जम्मू के नतीजे देख तो लिए, खुद से सरकार है जी. अजय, समय का अभाव है, मैं अजय से एक आखिरी टिप्पणी लेना चाहूंगा. जी अजय, पैरासाइट समझते हैं परजीवी, बताता हूँ कैसे है परजीवी. जम्मू कश्मीर फारूक अब्दुल्ला पे परजीवी, हरियाणा अपने दिल्ली में आम आदमी पार्टी पे परजीवी, उत्तर प्रदेश परजीवी समाजवादी पार्टी, बिहार परजीवी आरजेडी, बंगाल में दीदी पूछती नहीं है, परजीवी बनाने को तैयारी नहीं है, झारखंड में परजीवी शिवू सोरेन हेमंत सोरेन की पार्टी, महाराष्ट्र में परजीवी उद्धव ठाकरे से लेके शरद पवार से लेके सब पे परजीवी. परजीवी तो आप हो ही गए भाई, धोने लायक आप हो गया. एक बात सुनिए, अंत में कहता हूँ एक बात. नितिन जी एक मिनट, अरे एक मिनट सुनिए ना, बीच में क्यों बोल रहे हैं. 50 साल तक परजीवी ही, एक बात बता रहे हैं, एक बात सुन लीजिए. 2024 का रिजल्ट साफ है, 2024 महाराष्ट्र 224 हमारे गठबंधन को, आप बाकी में मार लीजिए अपना. ठीक है, चलिए इसी नोट पर जो आपने बोला वो लिख के रख रहा हूँ और चुनावी नतीजों के दिन आपसे बात करूंगा. नहीं नहीं, सुनिए इसको रखिए कि 2024 लोकसभा चुनाव के नैरेटिव को, जो ये झूठी नैरेटिव थी उसको हरियाणा ने ध्वस्त किया है, और देश में जो सिर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं, जो नजीबुल्ला घर से निकलेगा लग रहा है, जो हर घर हिजबुल्ला की बात हो रही है, और अयोध्या का जिस तरह से बनाया गया है वो एक नया नैरेटिव सेट कर रहा है, और महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में इसका प्रभाव होगा, हरियाणा में भी इसका प्रभाव देखा. ठीक है, समय का अभाव है, हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा. आप सभी पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया दुटुक से जुड़ने के साथ. तो फिलहाल दुटुक में इतना ही, आप देखते रहिए DD News.